बांधा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत परसौली गांव में दबंगों ने पुष्पेंद्र पुत्र सुरेंद्र 32 वर्षीय को पुरानी रंजिश से खेत में लाठी डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे अपने घर लाकर बेरहमी से उसकी धुनाई की। मरणासन्न हालत में उसे उसके खेत में फेंक गए। बचाने उसकी बुआ पहुंची तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। एम्बुलेंस से उसे CSC लाकर भर्ती कराया गया। घायल युवक की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी है। बांदा से शिवविलास शर्मा की रिपोर्ट। आई उसको मार चुके थे लेकिन फिर भी मारे में मार रहे थे उसे। किस बात को लेकर के मारपीट की है? मतलब ये जुताई करके ट्रैक्टर आ रहा था सड़क में तो इसको उतार के पकड़ने के लिए कोशिश किया तो ये भागा तो मोटरसाइकिल से पीछे किया इन्होंने पकड़ के ले आया तो खूब मारा पीटा। जब मैं घर में थी दूर है घर, जब मैं उधर गई घर के पास वो उनके घर के पास तब मैं मार चुके थे लेकिन फिर भी मार रहे थे, मारे में मार रहे थे उसे। तो मैं उसके ऊपर लौट गई तब मेरे डंडा मारा, मेरे हाथ में लगा, मेरे पीठ में लगा, मेरी मैक्स भी फाड़ दिया। कितने लोग घायल हुए हैं? हम दो लोग थे, कोई नहीं था हमारे साथ। अच्छा, इसके बाद किसको सूचना दिए हैं? कौन लेके आई है आपको बबेरू अस्पताल? एम्बुलेंस। कौन मारा है आपको? गांव के कौन लोग थे वो? अमरजीत के लड़के थे दो, अमित सुमित नाम था और सिर्फ विष्णु का लड़का था, हर्षित विष्णु था। ठीक।